ट्वीट का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के आगरा में एक मकान मालिक और किरायेदार के बीच सड़क पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। इस मारपीट की वजह किराए का विवाद बताई गई। मिलिंद सोमण ने एक खरबूजे की मदद से कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि वो रोज सुबह उठने के बाद काफी फल खाते हैं। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक कंपनी ने गर्मियों में मेडिकल स्टाफ को पसीने से बचाने के लिए खास तरह की पीपीई किट बनाई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी। इसके अलावा बस, ट्रेन और हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों और सामान ढोने वाले ट्रकों को इससे बाहर रखने को कहा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बाद अस्पतालों में हो रही बिस्तरों की कमी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी आगे आई। उन्होंने कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए कुछ मशीनों के साथ ऑक्सीजन देने के दूसरे इंतजाम भी किए। राजधानी के पश्चिम विहार इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा किया गया, जहां इलाके में रहने वाले कोरोना मरीजों की मदद के लिए कुछ मशीनों समेत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इनसे सांस लेने में तकलीफ की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तीनों चीजें यहां की जो फेडरेशन है वो अपनी लोकेलिटी के आसपास के जो लोग जहां पर कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसके चलते इन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। इन मशीनों को किसी को भी देने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, जिन्हें एक लड़का साफ करता दिखा भी। लोगों की सहूलियत के लिए इन मशीनों को वहां रखने की दलील दी गई। तो उसने हमने ये ऑक्सीजन मशीन प्रोवाइड करवाई है, इसमें कि आप किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो उसके घर में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये भी समझाया गया कि कोरोना मरीजों के लिए इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लग में लगा लीजिए, यहाँ पे आप पानी भरेंगे, थोड़ा 1-2-3 जितने लीटर पर मिनट चाहिए है, उससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के पास यूपी के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के 5 कमरों को कोरोना संदिग्धों के लिए तैयार कर दिया गया। यहाँ कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिलने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। एम्बुलेंस से गया, उसको एडमिशन होने में दिक्कत हो रही है, काफी देर लग रही है। बस ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है तो हम कुछ समय के लिए हम इन कमरों में उनको जगह दे सकें। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें एज ए जो रेजिडेंट है, एज ए सिटीजन है, उसमें हमें आगे आना पड़ेगा। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से इन कमरों में कोरोना संदिग्धों को रखने की इजाज़त नहीं मिली है। मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में मरीज यहाँ रखे जा सकेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत में मुद्रा में गिरावट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच देश की मुद्रा में भी गिरावट शुरू हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक बैंक पर हमला कर दिया। उन्होंने बैंक के शीशे की दीवार को तोड़ दिया। इसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने आगजनी भी की। सड़कों पर टायर और लकड़ी के टुकड़े जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। It's been unbearable because the situation, the economical situation is a disaster and nobody's doing anything. कोरोना के खतरे के बावजूद इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कई सड़कों को जाम कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस के साथ सेना को भी बुलाया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी में लॉकडाउन पर मतभेद सामने आ गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लोगों से सभी नियमों का पालन करने और फिर से लॉकडाउन लागू नहीं करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने शिवसेना से अलग रुख अपनाया और नियमों का पालन नहीं होने पर लॉकडाउन लागू करवाने का दावा कर दिया। तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जहां हमें लगा कि वहां पे हकीकत में पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जगह पे फिर लॉकडाउन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ साईं मंदिर में ज्ञापन देकर अनोखा प्रदर्शन किया।
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साजिश रचकर सत्ता में आने और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और साईं मंदिर में जाकर शिवराज सरकार को बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं के साथ कई कार्यकर्ताओं ने एक रैली भी निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इस रैली में सभी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के पीछे चलते दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए जिनके जरिए उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। ये रैली शहर भर में घूमने के बाद साईं मंदिर में पहुंची। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को सबक सिखाने और कमलनाथ सरकार की वापसी की भी कामना की। ये जो सरकार षड्यंत्र पूर्वक बनी है, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ धोखा हुआ है, तो भगवान उन विधायकों को चुनाव में जमानत जब्त कराए। इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सबने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों पर दिल्ली नगर निगम और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए। एमसीजी ने अस्पतालों की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है। आप इनको झूठा साबित कर रहे हैं तो इसका मतलब हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों के ऊपर किसी न किसी तरह का आप शक जाहिर कर रहे हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल पंजाबी बाग शमशान घाट का दर्शा रहा हूँ और जिसके अंदर कम से कम 800 से 900 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मेरे पास एट प्रेजेंट है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया और एमसीडी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उन पर सवाल उठा दिए। बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि भाई हम कह दें कि भाई नंबर्स हैं। कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि जी 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की।